हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है गीतक शर्मा और आप लोग आ चुके हैं मेरे चैनल टेक रिडलर पे। जैसे ही आप लोगों को नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चैनल है, तो यार मेरा टारगेट ये है कि मैं थोड़े थोड़े समय बाद आप लोगों के लिए कुछ टेक्निकल वीडियोस लेकर आता रहूं, जिसमें कि आपको कुछ ऐसी जानकारी हो जो आपको हम आगे जाके कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो इसी के चलते जो मुझे फील हुआ कि सब लोगों को पता होना चाहिए वो चीज़ है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम क्या है और क्यों आपको टेलीग्राम यूज़ करना चाहिए, व्हाट्सएप से ये कैसे बेहतर है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और ये कैसे ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकता है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि आप इसको किस किस प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप एंड्रॉयड के लिए यूज़ कर सकते हैं, आईपैड के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने विंडोज़ पीसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब इनमें से कुछ भी नहीं है तो ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना गाइस, आप इसको ब्राउजर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी टेम्पररी आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, बैटरी लो है, अपने दोस्त का मोबाइल लीजिए और बड़े आराम से web.telegram.org खोल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करें तो सबसे मेन फीचर ये है कि ये इसके जो भी मैसेज है, अगर सिंपल सा इनका फंडा है कि अगर ये मैसेजेस क्लाउड से होके जा रहे हैं तो इनको बाद में बैकअप क्यों करना पड़ता है। जैसे कि आप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, उसमें क्या है अगर जब भी आपको कोई अपना डिवाइस चेंज करना है, रीसेट करना है, तो आपको सारी चैट का बैकअप क्लाउड पे लेना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जस्ट अगर आपको ज़रूरत नहीं है आपके फ़ोन में टेलीग्राम की, आप अनइंस्टॉल कीजिए। आप अगर आप उसको एक साल से अंदर अंदर इसको दोबारा से यूज़ करते हैं तो आपकी चैट सारी की सारी वापस आ जाए। एंड अगर ये व्हाट्सएप से बेहतर है तो ये एक्स्ट्रा क्या दे सकता है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि व्हाट्सएप के अभी जो ओनर है वो मार्क ज़करबर्ग है एंड वो कब से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे व्हाट्सएप में एड्स को इम्प्लीमेंट करा जाए। अभी वो उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चले कि अगले आने वाले साल या इस साल के एंड तक व्हाट्सएप में आपको एड्स देखने को मिल सकती है, बिल्कुल स्टोरीज की तरह। टेलीग्राम हमेशा के लिए फ्री रहेगा ऐसा कंपनी के CEO दावा करते हैं, और इसकी ना इसमें कोई एड्स है ना इसकी कोई सब्सक्रिप्शन फीस है, और सब फीचर्स आप इसके फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और यार जो लोगों को बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स अलग अलग रीजंस की वजह से सेंड करना अच्छा लगता है या उनकी रिक्वायरमेंट होती है अपने दोस्तों से या किसी और से, उनको ये फीचर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि टेलीग्राम में 1.5 GB तक की कोई भी किसी भी तरह की फाइल आप भेज सकते। टेलीग्राम को एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ अपने लैपटॉप पे और अपने मोबाइल पे। ये फीचर उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो लोगों को अपने चैट का कोई भी सबूत नहीं रखना होता है। इसमें होता क्या है इस फीचर में, वो उसके लिए आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। मुझे एक रीबो की तरह वीडियो बनानी पड़ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि अगला फीचर जो है यहाँ पे वो है प्राइवेट चैट का, और प्राइवेट चैट टेलीग्राम में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती क्योंकि ये उनकी एक सिक्योरिटी देने की या प्राइवेसी देने की आप कह सकते हैं कि ये वो एक फ़ीचर है कि ना हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना जो हम प्राइवेट चैट में जो भी कुछ किसी को चैट भेज रहे हैं ना वो किसी को सेंड कर सकते हैं। होपफुली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ टेस्ट यूज़र के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद 3-डॉटेड मेन्यू पर क्लिक करके स्टार्ट सीक्रेट चैट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही अगर सामने वाला जो बंदा है या बंदी है ऑनलाइन होगी तो सामने ही यहाँ पे चैट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो भी भेजूँगा वो हम दोनों के बीच में ही रहेगा, जैसे कि मैंने ये मैसेज भेजा है यहाँ पे। अब मैं इस पर और कैसे इसको एनहेंस कर सकता हूँ, सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर लगा के यहाँ से मैं इसको ऑन कर दूँगा। इसकी मैं कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ड्यूरेशन सेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी 3 सेकेंड ड्यूरेशन सेट करता हूँ तो जैसे ही सामने वाला पर्सन मेरा मैसेज देख लेगा कुछ भी भेज रहा हूँ, 3 सेकंड के बाद जैसे ही डबल टिक आएगी उसके 3 सेकंड बाद ये मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये फीचर काम करता है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें सुपर ग्रुप्स है, तो ये चैनल है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना न्यूज़ डेस्क का, यहाँ पे आपको कोरोना के रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएगी और इसके आप देख सकते हैं कि कितने सारे सब्सक्राइबर हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगला फीचर आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें यूज़र नेम्स आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम सेट करा हुआ है, आप भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बिना अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज करे आप किसी को भी ऐड। तो यार यूज़र्स की बात करें तो टेलीग्राम ने खुद ही April 24 को बताया था कि उन्होंने 400 मिलियन यूज़र्स कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
इंस्टेंट व्यू नाम का फीचर आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करता है। अब ये होता क्या है उसके लिए आपको देखना, यहाँ से मैं गया, शेयर करा, मैंने टेलीग्राम पे गया और यहाँ पे मैंने ये सेंड कर लिया। जो लिंक सेंड हुआ था वो टेलीग्राम के सर्वर से प्रोसेस हुआ और उसने इसको एक इंस्टेंट पेज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखिए आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये कितने ही मोबाइल के जो आपकी लेआउट है उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इमेजेस वगैरह, अगला फीचर जो है वो है सेव्ड मैसेज का। सो सेव्ड मैसेजेस क्या है, एक हिसाब से क्लाउड बैकअप भी कह सकते हैं आप इसको, कि जो आप इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना है तो वो यहाँ पे सेव्ड रहेगी और एक प्राइवेट मोड में रहेगी। तो यार सेव्ड मैसेज को स्टार्ट करने के लिए या देखने के लिए कहाँ आपके मैसेज सेव्ड हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर मेन्यू में जाना है और उसके बाद सेव्ड मैसेज में जाना है। तो यहाँ पे आप जो भी कुछ भी अपने आप को सेंड करेंगे, कुछ भी है, वो यहीं पर ही सेव रहेगा। इवन आप इसको अपने प्राइवेट जर्नल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैसेज आप किसी को नहीं शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी, किसी आपकी कोई आपकी चैट के अंदर कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो उसको आप यहाँ पे फॉरवर्ड करके आराम से सेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके, मुझे ये मान लीजिए ये कोई इन्फॉर्मेशन है, इसको सेव करना है, यहाँ से मैं उसको अपने सेव्ड मैसेजेस में फॉरवर्ड कर लूँगा और इसको देखने के लिए यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरे पास सेव रहेगा। और साथ में मुझे ये यहाँ पे एडिशनल इन्फो में ये भी नज़र आ जाएगा कि एक तो यार ये थे टेलीग्राम के कुछ बेसिक फीचर्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और फीचर्स, इसके एडवांस फीचर्स आपके लिए लेके आऊँ। और आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप ज़रूर मुझे बताएं, कोई आपके सुझाव हो या आप कुछ अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।